मैं हूं नेहा आपके साथ और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। अगर आप भी लंबे वक्त से SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ना चाहते थे और भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि SSC ने SI पदों पर डिटेल नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन आखिर आप कहां जाकर अप्लाई कर पाएंगे, कितने पदों को भरा जाएगा, ये तमाम डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस और CAPF में करीब 1876 पदों को भरा जाएगा। ये पद SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के होंगे और सबसे खास बात इस भर्ती की ये है कि महिला और पुरुष दोनों ही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, यानी कि आवेदन की आखिरी तारीख है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि लंबा टाइम है, लेकिन तब भी आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पर जाइए और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं SI पदों पर तो आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना मस्ट है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पूरी तरह से इस भर्ती के योग्य हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जो 1876 टोटल पद हैं, इनमें दिल्ली पुलिस के लिए कितने पद हैं और साथ ही CAPF के लिए कितने पद हैं। इस भर्ती के अनुसार SI दिल्ली पुलिस में मेल उम्मीदवारों के लिए 109 पद हैं, वहीं फीमेल उम्मीदवारों के लिए 53 पद हैं। अगर बात CAPF की हो तो इस भर्ती के जरिए 1714 पदों को भरा जाएगा। ये डिटेल तो हमने आपको बताई टोटल सीट्स के बारे में। अब आपको बताते हैं कि आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा। अगर आपने 20 साल की उम्र पार कर ली है और आप 25 साल से कम उम्र के हैं तो आप पूरी तरह से इस भर्ती के योग्य हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। लेकिन किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, ये जानने के लिए आपको डिटेल नोटिस पढ़ना होगा। डिटेल नोटिस हमने आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि SI यानी कि सब इंस्पेक्टर पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होगा। उम्मीदवार जब एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद उन्हें रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक बार जब आप रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जब ये दोनों ही प्रक्रिया आप पास कर लेंगे तो आपको फाइनल यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो चरण है ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। SI पदों पर सिलेक्ट होने के बाद आपको प्रतिमाह 35,400 रुपए से लेकर 1,00,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इसके साथ ही सैलरी के अलावा जो एक सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती हैं, भत्ते मिलते हैं, उन सारी सुविधाओं से भी आपको नवाजा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी फीस देनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देनी होगी। वहीं अगर आप SC ST या फिर फीमेल उम्मीदवार हैं तो आवेदन करते वक्त आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी, ये SSC में SI पदों पर भर्ती के बारे में दी। अगर आप पूरी तरह से इस भर्ती के योग्य हैं और इच्छुक हैं तो आप जल्दी से जल्दी यानी 15 अगस्त से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।